Welcome once again to Vigyanale. In the previous video of chapter motion, we have done distance, displacement, speed and velocity. So before going further, here are a few questions based on the previous concepts. अभी यहाँ पे जो questions हैं, दो questions के मैंने आपको solution भी करके दिखाया है, so that you can get idea कि अच्छा ये ऐसे solve करने हैं आपके ये वाले जो questions हैं. तो हम पहले first question देख लेते हैं. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? So, Abdul अपने घर से जब स्कूल के लिए जाता है तो उसने फाइंड आउट किया कि उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो 20 किलोमीटर पर आर आती है. बट वेन ही रिटर्न्स बैक अलॉन्ग द सेम रूट, सो ट्रैफिक लेस हो गया, दोपहर में कम हो ही जाता है ट्रैफिक, तो उसको कम ट्रैफिक मिला और उसने फाइंड आउट किया कि उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई थी, इट वॉज 30 किलोमीटर पर आर. सो आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, मतलब उसकी अगर हम कंबाइंड ट्रिप देखें, उसकी पूरा स्कूल तक जाना और वापस आना, तो उन दोनों को मिला के उसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी. सो वेरी इजी, लेट्स सी. The distance while driving from home to school. अब हमें यहाँ पे पहले अज्यूम करना पड़ेगा सब कुछ. तो हम जैसे प्रीवियस वीडियो में देख ही चुके हैं कि डिस्टेंस के लिए एस लगाते हैं, टाइम इज टी, वेलोसिटी इज वी. अब यहाँ पे क्योंकि दो टाइम्स हैं, एक जाते वक्त और एक वापस आते वक्त, तो हम उसको T1 T2 कर लेंगे. एंड देन सेम इज विद वेलोसिटी, एक स्कूल जाते वक्त सो दैट वुड बी V1 और एक वापस आते वक्त जो वेलोसिटी है दैट वुड बी V2. और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम V और AV लगाएंगे उसके नीचे, सो दैट वुड बी एवरेज वेलोसिटी. सो लेट्स सी, द डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग फ्रॉम होम टू स्कूल इज इक्वल टू S. एंड अज्यूम कर लेते हैं कि टाइम टेकन बाय अब्दुल टू कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू T1. कब? जब वो स्कूल से, जब वो घर से स्कूल जा रहा है, तो वो वाला टाइम आपका T1 है सपोज. नाउ डिस्टेंस अब्दुल कवर्स व्हाइल ड्राइविंग फ्रॉम स्कूल टू होम S हो गया. अज्यूम टाइम टेकन बाय अब्दुल टू कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू T2. अब आते वक्त डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा S, क्योंकि जितना घर से स्कूल जाने में डिस्टेंस है उतना ही तो वापस आने में भी है, सो डिस्टेंस सेम रहा S, लेकिन पहले टाइम वॉज T1 एंड नाउ द टाइम इज T2. नाउ एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल V1 और हमने AV भी लगाया है इसके नीचे, तो यानी कि जाते वक्त जो वेलोसिटी है दैट इज V1, बट हम एवरेज बता रहे हैं उसका, तो कितना है वो गिवन है क्वेश्चन में, 20 किलोमीटर पर आवर. अब ऐसे ही एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम V2, दैट इज गिवन हियर 30 किलोमीटर पर आवर. नाउ टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल, अगर हम टाइम टेकन निकालें स्कूल से घर आने का, सो दैट वुड बी T2, हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, सो T2 वुड बी S डिवाइडेड बाय V2. ये किससे निकला? हमारी वेलोसिटी वाली या फिर स्पीड वाली जो इक्वेशन थी उससे, क्योंकि हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो उसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो इट वुड बी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर स्पीड. तो हमारा ये आ गया T2 इज इक्वल टू S अपॉन V2. नाउ टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैकवर्ड, आते और जाते वक्त डिस्टेंस कितना लग रहा है दोनों टाइम पे, तो दैट इज 2S, टू टाइम्स हो गया डिस्टेंस, क्योंकि जाते वक्त S और वापस आते वक्त S, तो कितना हुआ 2S हो गया ना, सो 2S हो गया. नाउ टोटल टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैकवर्ड, अब टोटल टाइम अगर हम कैलकुलेट करें जाते वक्त भी और वापस आते वक्त भी, सो दैट वी आर डिनोटिंग हियर विद कैपिटल T, सो दैट वुड बी S अपॉन 20 एंड S अपॉन 30 प्लस S अपॉन 30, क्योंकि दोनों टाइम्स को हमने इक्वल मतलब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल टाइम टेकन लेना है. सो दैट वुड बी पहले वाले का कितना है T इज इक्वल टू S अपॉन 20 और प्लस दूसरे वाले का S अपॉन 30. देयरफॉर एवरेज स्पीड VAV फॉर कवरिंग टोटल डिस्टेंस 2S. अब हमें जो एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो कितना होगा, हमें मालूम है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ 2S और टोटल टाइम टेकन कितना है
s upon 20 plus s upon 30. Now, आप जब इसको solve करोगे, so it would come out as 24 kilometer per hour. आप इसको solve करके देखिए, then the answer would come 24 kilometer per hour. So I hope ये समझ में आ गया होगा. इतना tough नहीं है. It's very easy. Now, so we go towards the next question. हम next question के अब देखिए एक और देखने में लग रहा होगा अरे कैसा क्वेश्चन है बट घबराइए नहीं बहुत आसान है अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इट विल बिकम रियली वेरी इजी बस ये अभी नया है थोड़ा कि D1 T1 V1 ये सब देख के आपको लग रहा है अदरवाइज इट इज वेरी इजी तो हम बहुत आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है आप समझ लीजिए रेल की पटरी है 120 किलोमीटर लंबी अब अ ट्रेन ट्रैवल्स एक ट्रेन स्टार्टिंग से चलना शुरू करती है तो वो शुरू के 30 किलोमीटर जो चलती है इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड उसको कोई परेशानी नहीं होती वो नॉन स्टॉप चलती रहती है और वो एक अटेन करती है यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आर यानी कि उसने 30 किलोमीटर जो चले शुरू वाले वो एक घंटे के अंदर चल लिए क्योंकि 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा था सो 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो 30 किलोमीटर ट्रैवल किया अब कितना बचा क्योंकि 120 किलोमीटर का ट्रैक था तो 90 बच जाएंगे 120 माइनस 30 तो उसने लिखा भी है कि अब जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर बचे हैं उसमें ट्रेन कितना तेज चले कि अगर हम दोनों ट्रिप को जो अभी तक 30 किलोमीटर वाली थी और अब जो 90 बच गए हैं इन दोनों का जब कंबाइंड करेंगे एंड में जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो वहां कोई पूछेगा अगर हमसे कि भाई कितने एवरेज वेलोसिटी से आए हो आप कितने एवरेज स्पीड से आए हो तो वो एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आर होनी चाहिए तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड पता है हमें अपना टोटल डिस्टेंस पता है और हमें स्टार्टिंग की एक वेलोसिटी या स्पीड हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग की स्पीड पता है हमें अभी टाइम नहीं पता इसमें है ना तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं तो हम लिखना शुरू करते हैं डिस्टेंस D1 हमने शुरू में जो फर्स्ट स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो हम उसको 1 रखते हैं और जो नेक्स्ट जो ट्रिप बच गई है उसको हम 2 मिलेंगे ठीक है सो डिस्टेंस D1 30 किलोमीटर है और V1 क्या हुआ हमारी फर्स्ट स्पीड वो है 30 किलोमीटर पर आर नाउ टाइम टेकन होगा T1 ऑफ कोर्स तो T1 कितना होगा T होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो हमने यहाँ पे देखा डिस्टेंस है 30 और वेलोसिटी या फिर स्पीड है 30 सो 30 अपॉन 30 इक्वल 1 आर यानी कि जो फर्स्ट जो 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किए वो एक घंटे में किए वो हम क्वेश्चन से भी देख सकते हैं बट हमें क्योंकि करके दिखाना होता है कि कैसे होगा अदरवाइज क्वेश्चन में क्लियर है 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर तो जब वो 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ही चल रहा था और उसने 30 किलोमीटर ही ट्रैवल करना तो ऑफकोर्स एक घंटा लगाना उसको चलिए बट वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी कर लिया अब हमारा बचता है रिमेनिंग डिस्टेंस तो जो डिस्टेंस बच गया D1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं D2 और वो कितना होगा 120 माइनस D1 D1 था हमारा पहला वाला डिस्टेंस और वो यहाँ पे गिवन है 90 किलोमीटर नाउ लेट स्पीड टू कवर डिस्टेंस D2 अब जो हमें क्योंकि स्पीड फाइंड आउट करनी है ना कि जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर बच गए हैं उसको कितनी स्पीड से चले कि टोटल एवरेज जो आए मिला के वो 60 किलोमीटर पर आर आ जाए तो हमने उसको मान लिया द स्पीड टू कवर डिस्टेंस D2 उसको हमने मान लिया V2 है वो V2 किलोमीटर पर आर है ऊपर वाली जो वेलोसिटी थी वो V1 थी अब हमने मान लिया V2 किलोमीटर पर आर है ठीक है अब इसका टाइम टेकन निकाल लेते हैं सो इसका टाइम आएगा D2 वही सेम क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हमने लिख लिया D2 अपॉन V2 और इज इक्वल टू यहाँ पे D2 ऊपर दिया ही हुआ है 90 किलोमीटर सो हमने 90 लिख दिया एंड देन डिवाइडेड बाय V2 आवर्स ये हमारा सेकेंड टाइम हो गया तो अगर हम टोटल टाइम बोलेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा T1 प्लस D2 सो दैट वुड बी 1 प्लस 90 अपॉन V2 अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एवरेज स्पीड ऑलरेडी स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन वो हमें पता ही है हम पीछे इसका डेरिवेशन कर चुके हैं कि कैसे निकलता है सो एवरेज स्पीड हियर इज गिवन एज 60 सो वील पुट 60 हियर एंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 120 और डिवाइडेड बाय अब टोटल टाइम टेकन है तो टोटल टाइम टेकन आपका 1 प्लस 90 अपॉन V2
नाउ फिर नेक्स्ट करेंगे तो हम ये जो डिवाइडेड वाला साइन है उसके नीचे जो भी कुछ है उसको हम लेफ्ट में ले आते हैं. तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90 डिवाइडेड बाय v2 और उधर रह गया 120. नाउ 60 को हम 120 के पास ले जाते हैं. सो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 1 प्लस 90 अपॉन v2 इज इक्वल टू 120 अपॉन 60. और जब हम फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है v2 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर. अब ना इसका एक दूसरा मेथड भी है, हम वो भी देख लेते हैं. वो और ज्यादा आसान है कि हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर, एवरेज स्पीड दिया 60 किलोमीटर पर आवर. सो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 120 अपॉन 60. अगर हम, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस पता है और हमें एवरेज स्पीड भी पता है, तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका हो गया 120 अपॉन 60, यानी कि 2 आवर्स. अब टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर वो हो गया आपका 30 अपॉन 30, दैट वाज 1 आवर. हैंस टाइम रिमेनिंग टू कवर द रिमेनिंग 90 किलोमीटर. अब जो रिमेनिंग 90 किलोमीटर्स हैं उसका हमें मालूम है कि एक घंटा तो पहले हो चुका है, तो ये ऑफकोर्स 2 माइनस 1, इसके लिए भी एक घंटा लगेगा. तो स्पीड ड्यूरिंग 90 किलोमीटर, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस दिया हुआ है 90 और आपको टाइम दिया है 1. सो आंसर हो गया 90 किलोमीटर पर आवर. ये और ज्यादा बेटर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट, सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट, एक्चुअली दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ वी हैव जस्ट डन 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए हैं, आपको इनको करना है. आप ट्राई कीजिए इनको. मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि थोड़ा कहीं पे अगर मीनिंग में आप अटक रहे हैं तो वो आप क्लियरली समझ सकें. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. ये तो एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया है. द नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 10 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रेन जर्नी. तो हमें मालूम है एवरेज स्पीड क्या होती है. हमें फर्स्ट 15 किलोमीटर्स 15, देन 75 एंड देन 10. तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे. आपके पास टोटल डिस्टेंस है एंड आपके पास सारी आपका स्पीड भी दी हुई है. सो आप टाइम निकालिए and then you can find out the average speed for the entire journey. The next is, the speed of a moving object is determined to be 0.06 meter per second. Calculate it. आपको इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. You have done it in 7th class also. Now next is, a car travels a distance of 100 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour and returns with a speed of 40 kilometer per hour. Calculate the average speed for the whole journey. एक कार है, वो 100 kilometer distance travel करती है starting में 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और जब वो वापस आती है उसी 100 किलोमीटर पे, सो 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती है. यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 100 प्लस 100, दैट इज 200. अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है फॉर द होल जर्नी. नाउ नेक्स्ट इज, इफ अ स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 9.83 सेकेंड्स, कैलकुलेट इज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आर. आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, आपको टाइम दिया हुआ है. सो स्पीड निकालेंगे आप मीटर पर सेकेंड में, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर. सो दैट्स आल्सो एन इक्वेशन. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. आप सबने सुना भी होगा एक्सेलरेटर वर्ड, है ना. कहाँ पे होता है एक्सेलरेटर वर्ड यूज? ऑफकोर्स व्हीकल्स में, कार्स में, ट्रक्स में, आपके बाइक्स में, स्कूटीज में, हर जगह पे. स्पीड को जब हम बढ़ाते हैं तो वो काम कौन करता है? एक्सीलरेटर. सो नाउ हियर द टॉपिक इज एक्सीलरेशन. समझ में आ रहा है कि स्पीड को बढ़ाने से कुछ लेना देना है इसका, है ना. सो ऑफकोर्स उसी से है. एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम. मतलब सपोज हम किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, सपोज हम 25 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से कहीं पे जा रहे हैं. अब हमने एक्सेलरेटर बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया ना. इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी को, और वो चेंज कुछ टाइम में हुआ होगा ऑफकोर्स, सो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो दिस इज वॉट वी कॉल एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज. एंड सपोज फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी हो गया जिस वेलोसिटी से हमने स्टार्ट किया, लाइक
कार आपकी खड़ी हुई थी पहले, सो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, वो चली नहीं रही है, तो वेलोसिटी वॉज जीरो मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं हम, या फिर किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर सॉरी, सो वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब फाइनल हम 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगे, सो फाइनल हो गई आपकी 25 किलोमीटर पर आवर, सो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ये होती है। एंड सो फाइनल वेलोसिटी में से ऑफकोर्स इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे आप एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सो इट विल गिव यू द एक्सीलरेशन। एंड द सिंबल फॉर फाइनल वेलोसिटी इज वी, एंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी इट इज यू, एंड टाइम टेकन एज यू ऑल नो इट इज टी। सो एंड द सिंबल फॉर एक्सीलरेशन इज ए, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब एसआई यूनिट देख लेते हैं, तो एसआई यूनिट ऊपर हमारा स्पीड है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू जो भी है, ये आपका वेलोसिटी है ना, सो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर सपोज ले लेते हैं, या फिर मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं अभी, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टी है, तो टी की यूनिट क्या होती है, वो भी सेकेंड होती है, तो इन दोनों की जो एक्सेलरेशन की यूनिट हुई वो क्या हुई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सेलरेशन, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। कैसे, एक कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती जा रही है, वो 50 किलोमीटर एक हाईवे पे चल रही है और वहां पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यूसली चले जा रही है, एक घंटा हो चुका है, दो घंटा हो गया पूरा, वो कहीं रुके नहीं है, एंड दे आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही जैसी वेलोसिटी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चले जा रहे हैं लगातार, तो एक्सेलरेशन होगा कोई, आप बताओ, उनकी इनिशियल वेलोसिटी भी 50 है वहां पे, और जहां तक वो पहुंचते जा रहे हैं वो उनकी फाइनल वेलोसिटी हुई, पिछले दो घंटे से उनकी वेलोसिटी सेम ही चल रही है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई ना, वहां पे हम उससे नहीं देखेंगे कि वो गाड़ी पहले खड़ी हुई थी तो तब तो जीरो हुआ था ना, अब उसके बाद चलते हुए उसको दो घंटे हो गए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी वहां पे, आप पिछले टू आवर्स का देख रहे हैं सपोज, सो इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर थी, अब इस वाले आर में देखा इसमें भी 50 किलोमीटर पर आर है, सो कोई भी चेंज नहीं है वेलोसिटी में, हमने एक्सेलेरेटर बढ़ाया ही नहीं, हमने उसकी स्पीड बढ़ाई नहीं, हम उसी स्पीड से चलते जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई यहाँ पे, एक्सेलरेशन वुड बी जीरो है। नाउ हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, लाइक फर्स्ट जो फिगर है आपकी, एक कार है 30 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुई and now it reaches, it has reached to 60 kilometer per hour. So we say that this car is accelerating because its velocity is increasing. हम ये बोलेंगे कि ये कार ना accelerate कर रही है क्योंकि इसकी velocity बढ़ती जा रही है. अब now second वाला है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा curved path लग रहा है कि वो कहीं curve से होके आया है आगे. So उसने maintain की same speed फिर भी. So पहले 60 किलोमीटर पर आर थी and here also it is 60 किलोमीटर पर आर. So it is moving with a uniform velocity. So यहाँ पे acceleration आपका zero हो जाएगा. So but अगर हम ऐसे देखें तो acceleration तो zero होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो हमारे मतलब कोई स्पीड में चेंज ही नहीं दिख रहा है. अगर हम ऐसे देखें तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो हमारे मतलब कोई स्पीड में चेंज ही नहीं दिख रहा है. बट यहाँ पे एक चीज होती है, एक्सेलरेशन जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली. तो एक्सेलरेशन जब भी आप बताएंगे उसमें आपको डायरेक्शन भी बताना है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पीछे एक कर्व पाथ से स्टार्ट हो रही है, कर्व पाथ से आके फिर ये स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से आ गया है. सो इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है ना, स्पीड दो द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, भले ही वहां पे उसने मेंटेन करके स्पीड अपनी कॉन्स्टेंट कर ली, लेकिन हर बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना. सो क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, सो इसीलिए उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में भी हमें एक तो स्पीड चाहिए होती है और उसके साथ डायरेक्शन चाहिए होता है. और सेम वे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से, सो एक्सेलरेशन भी होगा. सो हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि दिस कार इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग
एज इट टर्न्स, वो जैसे ही टर्न कर रही है उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है. सो विच मीन्स इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग इवन दो द स्पीड स्टेज कॉन्स्टेंट. स्पीड सेम है ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो आप ये भी देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चन में अगर आता है कि आपने देखा वेलोसिटी सेम है, तो फटाफट से ऐसे ही नहीं लिख देना है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. नो, यू हैव टू फाइंड आउट कि कहीं डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा. अगर डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा ऑफ कोर्स. तो हम उसको भी एक्सेलरेटिंग बॉडी ही बोलेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन में डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट जो लास्ट फिगर है आपकी, इसमें स्टार्टिंग था 60 किलोमीटर पर आवर, बीच में हो गया 30 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनली इट स्टॉप्ड. कार रुक गई बाद में. इसका मतलब है वो कहीं से चलते हुए आ रहे थे एंड नाउ फाइनली द कार स्टॉप्ड. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको क्या हम एक्सेलरेशन बोलेंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा कि अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो ही एक्सेलरेशन होता है. अब यहाँ पे हमारी अगर वेलोसिटी बोले हैं तो वो चेंज तो हो रही है कंटिन्यूअसली, बट क्या ये एक्सेलरेशन है? हाँ ऑफ कोर्स ये एक्सेलरेशन है. मतलब जब भी कभी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है ना. हाँ कम हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, देन ऑल्सो व्हील से कि एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव है. ठीक है, तो अगर अगर स्पीड बढ़ रही है सो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर यहाँ पे स्पीड कम हो रही है आपकी सो उसको भी हम बोलते हैं एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट वो नेगेटिव है. और उसके लिए एक दूसरा वर्ड आता है, अभी आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज डेसिलरेशन और रिटार्डेशन. उसको हम रिटार्डेशन या डेसिलरेशन भी बोलते हैं. और अगर हम एक्सेलरेशन ही बोल रहे हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन लिखेंगे बट विद नेगेटिव साइन, तो उसे समझ में आ जाएगा कि स्पीड बढ़ी नहीं है, यहाँ पे स्पीड कम हो गई है. नाउ द नेक्स्ट फिगर, देयर इज अ कार, पिंक कलर्ड कार, और आप एरोज देखिए. इन एरोज में दिखाया है कि जो फर्स्ट है, ए पार्ट है आपका, उसमें वी राइट डायरेक्शन में है. सो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इफ इट इज चेंजिंग, वो चेंज भी हो रही है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा ना. अब नेक्स्ट वाले में हमने देखा है कि यहाँ पे वेलोसिटी तो आगे की तरफ बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे हो सकता है? तो ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड कम हो रही हो. अगर चेंज आ रहा है वेलोसिटी में बट वो रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो एरो पीछे की साइड आ जाएगा. तो हमने इसमें सेकेंड वाले में शो किया है एक्सेलरेशन का एरो पीछे की तरफ है. इट मीन्स कि ये बॉडी धीरे धीरे रुक रही है. सो एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन वो पीछे की साइड हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो आगे की तरफ है, कार को आगे की तरफ बढ़ते जाना है ना, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन पीछे हो रहा है, यानी कि उसने ब्रेक मारे हैं या तो एक्सेलरेशन मीन्स वो कार रुक गई है वहां पे, या फिर स्पीड थोड़ा कम हुई है. सो ये आपका डेसिलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में है. अब अगर हम इस वाले में देखें तो वेलोसिटी है और इसमें भी एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में, ये सेम है एज बी, बस इसमें कार को इस साइड फेस कर दिया है, अदरवाइज इट इज सेम. और जो डी पार्ट है दैट इज सिमिलर टू योर ए पार्ट, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है और क्योंकि वो बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में हो रहा है आगे. नाउ अब एक और चीज आती है, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब हमने पढ़ा अभी प्रीवियस स्लाइड में. नाउ सेम वे वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑल्सो. इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट वो यूनिफॉर्म है. इट मीन्स कि सपोज एक कार मूव कर रही है ठीक है, और वो बीच बीच में स्पीड को बढ़ा भी रहे हैं, तो अगर हम टाइम इंटरवल्स फिक्स कर दें कि हमने देखा 15-15 मिनट्स के गैप पे कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो सपोज हमने फाइंड आउट किया तो हमें पता चला कि शुरू के 15 मिनट्स में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ गया था, सेकेंड वाले 15 में फिर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन, देन थर्ड वाले 15 मिनट्स में भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई. सो अगर स्पीड जो बढ़ रही है वो आपके इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली बढ़ रही है, सो वी विल से दैट इट इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब और ये कब हो सकता है पॉसिबल? ये जनरली पॉसिबल, जनरली क्या, एक
इज पॉसिबल ऑन अ स्ट्रेट लाइन ओनली, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है और एक्सेलरेशन में तो डायरेक्शन भी आता है. सो अगर हम सर्कुलर या कहीं पे और लेंगे कर्व्ड पाथ पे, हो सकता है वेलोसिटी सेम रहे बट डायरेक्शन तो वहां पे चेंज हो जाएगा. सो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं रहेगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पे ही होता है. सो द डेफिनेशन इज when an object travels in a straight line its velocity increases, uski velocity badhegi by equal amounts in equal intervals of time. matlab humne time ko equal kar diya, time ke gaps ko equal kar diya aur humne find out kiya to usme jo velocity badh rahi hai har interval mein wo barabar barabar badh rahi hai. pehle aapki badhi 2 meter per second, fir next wale mein 2 meter per second, fir third mein 2 meter per second. तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एज इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड एवरी सेकेंड. हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था कि अगर एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ऊपर से कोई भी एक बॉल है, वो फ्रीली फॉल हो रही है. सो वहां पे हमने पढ़ा था कि उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है क्योंकि ऊपर इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे वो पास आता है ग्रेविटी उसे ज्यादा जोर से खींचने लगती है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाती है. सो दैट वाज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट क्योंकि उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है. अब समझ में आया यहाँ पे वर्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकेंड, और वो कितना बढ़ रही है? इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, वो इससे कम या ज्यादा नहीं होता. सो हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ऐड करते जाइए तो हर सेकेंड में इक्वल अमाउंट से वो इंक्रीज हो रही है ना. सो देयरफॉर द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग एक्सीलरेटेड एवरी सेकेंड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ती जा रही है. सो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि इन एवरी सेकेंड इक्वल अमाउंट में वो बढ़ रही है. सो देयरफॉर इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. ये भी सेम है एक्चुअली, ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है, तो जो बॉल है वो खुद ही तो रोल होकर नीचे आ रही है. सो ग्रेविटी उसको भी ऑफकोर्स नीचे फटाफट से अपनी तरफ खींचेगी. यहाँ पे भी सेम वे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी उस पर हर सेकेंड पे इंक्रीज होती जाएगी. सो दिस इज वॉट वी कॉल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ देर इज द सेम एग्जाम्पल बट विद मोर डिटेल्स. सो लेट्स सी, दिस इज वॉट वी कॉल फ्री फॉल. सो हमने देखा मैन इज स्टैंडिंग हियर और उसने बॉल है या पता नहीं कोई ऑब्जेक्ट है इसके हाथ में, उसने ही हैज थ्रोन इट. सो जब उसके हाथ में है वहां पे, सो टाइम अगर हम स्टार्ट करें, सो दैट वॉज जीरो. अभी कोई सेकेंड्स नहीं हुए उसके भी, वो उसने गिरना स्टार्ट नहीं किया. सो टी जीरो और उसकी वेलोसिटी भी अभी वहां पे जीरो है. नाउ जैसे ही वो फॉल हुआ, फॉल कर दिया उसने, सो टी हो गया वन सेकेंड, हम एक एक सेकेंड के गैप पे देख रहे हैं, और उसकी वेलोसिटी एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो हम उसको क्या कर लेते हैं कि अगर हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं तो हम 10 मान लेते हैं, क्योंकि 9.8 इज वेरी क्लोज टू द 10. सो हम 10 मान लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है. सो अब इस केस में क्या हो रहा है कि वहां पे जीरो थी, अब जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो टी हो गया आपका वन सेकेंड और वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. अब उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो टाइम हो गया 2 सेकेंड्स, लेकिन वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10-10 का इंक्रीमेंट होता रहेगा ना हर सेकेंड में. T3 पे, 30, T4 पे, 40 एंड T5 पे, 50 एंड सो ऑन. नाउ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ है, जब हम सब खड़े होते हैं इस पे, तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल जो पुल लगता है, दैट वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट अ स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड. ये भी वही बता रहा है जो अभी जस्ट बताया मैंने यहाँ पे. सो आफ्टर 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, या हम इसको 10 भी ले सकते हैं, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा वो. सो द वेलोसिटी कंटिन्यूज टू इंक्रीज बाय 9.8 मीटर्स पर सेकेंड बाय एवरी सेकेंड. हर सेकेंड में वो 9.8
मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी. सो इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रही है. सो ये भी क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन. अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन की. तो आप इमेजिन कीजिए, अभी तक हमने जब यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के बारे में बताया, सो इन दैट वी वर सेइंग कि वेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वेलोसिटी व्हिच इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, जो एक यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज होती जा रही है, राइट, तो वहां पे आपका एक्सिलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो गया. बट नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है. सो व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ेगी यहाँ पे भी क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है ऑफकोर्स, बट बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब हमें टाइम तो इक्वल रखना पड़ेगा, तभी तो फाइंड आउट होगा ना कि वो इक्वल टाइम, मतलब 5-5 मिनट के गैप पे कितना कितना चल रहा है. तो हमने फाइंड आउट किया कि 5-5 मिनट्स का गैप लिया, पहले उसने 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज की, नेक्स्ट में 1 मीटर हो गई, उसके नेक्स्ट में फिर 3 हो गई. सो ये एक अनइवन अनइक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एक्चुअली. सो देयरफॉर वी कैन से व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वी कैन से व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, सो देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एग्जाम्पल हो गए, अगर आप अपने कार में हैं और यू गॉट स्टक इन ट्रैफिक, आप ट्रैफिक में अटक जाते हैं थोड़ा थोड़ा, कभी कभी कार सरक रही है आगे, कभी रुक जाती है, थोड़ा बहुत कहीं रास्ता मिल गया तो आपने साइड से कटवट करके थोड़ा आगे निकल गए तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गई. बट यहाँ पे इक्वल नहीं बढ़ रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स में ना. सो देयरफॉर, या फिर एक क्राउडेड प्लेस में आपकी कार है या आप किसी भी व्हीकल पे हो, तो वहाँ आप इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल नहीं बढ़ा सकते अपनी वेलोसिटी को. सो देयरफॉर देयर द ऑब्जेक्ट वुड बी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेम इज विद एन एथलीट रनिंग इन अ रेस. अगर एक एथलीट है वो रेस कर रहा है तो उसकी स्पीड भी, दो एथलीट्स जो होते हैं वो काफी हद तक मैनेज करके रखते हैं अपनी स्पीड को शुरू से एंड तक, बट दैट इज पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन ओनली मोस्ट प्रोबेबली. बट लेकिन तब भी एन एथलीट रनिंग इन अ रेस अगर हम लेते हैं तो वो बीच बीच में कभी और तेज भागता है, थोड़ा तेज भी हो सकता है, मतलब यूनिफॉर्म होना मुश्किल है उसके लिए. स्ट्रेट लाइन में तब भी चल जाएगा एक बार, बट इफ द पाथ इज कर्व्ड, अगर एक कर्व्ड पाथ है तो उसमें हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होता जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा. मोर ओवर हो सकता है, हम मान सकते हैं कि एन एथलीट रनिंग इन अ रेस, कभी वो तेज दौड़ रहा है, कभी हो सकता है थोड़ा स्पीड धीरे हो गई है या और तेज हो गया है. सो वी कैन, और जरूरी नहीं है हर सेकेंड में इक्वल अमाउंट से वो तेज करे अपना वेलोसिटी को. सो देयर ही कैन हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ द नेक्स्ट इज रिटार्डेशन और डेसिलरेशन. अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी कम होती है, मतलब शुरू में ज्यादा थी लेकिन अब कार धीरे 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 रुकने लगी है, तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. बट यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा से कम की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, बट हमने उसको एक दूसरा टर्म दिया है, दैट इज रिटार्डेशन और डेसिलरेशन. सो व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस वी कॉल इट एज डेसिलरेशन. The acceleration is positive if the velocity increases. अगर velocity बढ़ती जा रही है तो acceleration positive होगा, and अगर velocity कम होती जा रही है तो acceleration would be negative. Both are measured in the same way, but retardation is written with a negative sign. लेकिन अगर हमें कहीं retardation show, मतलब हमने find out किया acceleration ना इतना हो रहा है इसमें, but वहां पे brakes लगा के गाड़ी रुक गई थी, so वहां पे हमें minus symbol लगाना पड़ेगा. उसके लिए example है, when a car driver traveling at an initial velocity of 20 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 5 seconds, then the final velocity becomes zero. Matlab, ek car driver initial velocity se chal raha tha 20 meter per second. Uski initial velocity thi 20 meter per second. Ab usne brake lagaya suddenly aur car ko rok diya. 5 second lage usko aur final velocity uski zero ho gayi. Right? सो अगर हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी इज 20. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो माइनस 20 और टाइम इज 5 सेकेंड्स. तो ये आपका आ गया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो आप यहाँ पे माइनस खुद ही लग के आया है इसमें.
So here we can say that the car has an acceleration of -4 m/s², क्योंकि acceleration है लेकिन वो negative है यहाँ पे क्योंकि speed कम हो रही है. तो अगर हम acceleration लिखेंगे then we have to put minus mark here. But अगर हम retardation बता रहे हैं तो retardation तो अपने आप में understood है ना कि retardation means कि speed कम हुई है, तो वहाँ पे minus नहीं लगाते हैं. So we can say that it has retardation of +4 m/s². आप plus चाहें तो लगाइए, otherwise नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा. So it has retardation of +4 m/s². Now comes average velocity. Though we have already done it in the previous video, but once more, since we'll have questions on this concept then. So once again, as we learned previously about speed, that it hardly remains same for a complete journey. हमने पढ़ा ही था कि speed पूरी journey के लिए same नहीं रह सकती. तो हम एक average speed बता देते हैं. Same is with the velocity. So average velocity को हम डिनोट करते हैं V, कैपिटल V, और ऊपर एक बार लगा देते हैं उसके. सो इट इज़ यूजुअली डिनोटेड एज V बार. हम उसको V बार बोलते हैं. एंड दैट इज़ इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाय 2. मतलब हम जितनी भी हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं हम उन सबको ऐड करके मतलब उनका मीन निकालें अगर हम, तो जैसे अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है. सो वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी. सो यहाँ पे अगर वी नो द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी, सो इट वुड बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2. दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. सो इट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी. एंड एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी एंड अ बार ऑन इट, वी बार, या फिर हम वी और ए वी भी लिख सकते हैं नीचे. तो दैट वुड बी ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी. नाउ इन मैनी क्वेश्चंस अभी जो आगे पूछे जाएंगे उनमें कई जगह पर स्पीड यूज हुआ होगा वेलोसिटी की जगह, बिकॉज स्पीड इज वेरी कॉमन. स्पीड ज्यादा पॉपुलर टर्म है, बट वहां पे उसके फॉर्मूले यही सब वी वाले जो हैं आपके वो सेम ही लगने हैं, सारे फॉर्मूले सेम ही लगेंगे. सो और सिंबल ऑल्सो विल यूज वी इन बोथ द केसेस, चाहे वो स्पीड है चाहे वो आपका वेलोसिटी है, तो वहां पे सिंबल वी ही यूज होना है उसकी जगह पे. नाउ अगेन हियर आर अ फ्यू क्वेश्चंस. सो मैं पढ़ देती हूँ एक बार थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि करना कैसे है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम 20 m/s टू 10 m/s इन 2 seconds. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. दिस इज वेरी इजी. पहले कार की स्पीड 20 थी, देन 10 हो गई और 2 seconds का टाइम लगा, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है. सिंपल फॉर्मूला, अप्लाई योर सेल्फ. सेकेंड वन इज द कार ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. आप सोच लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है. एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 9 m/s आफ्टर ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 seconds. टाइम दे दिया 3 seconds, देन अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. सिंपल. देन एन एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट 600 km/h, एन एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट 600 km/h एक्सेलरेट्स स्टेडली एट 10 km/h/s. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको समझा देती हूँ. एक एरोप्लेन है जो 600 km/h की स्पीड से चल रहा है, उसने एक्सेलरेट किया अपने आप को, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज की अपनी एट 10 km/h/s. मतलब हर सेकेंड वो 10 km/h उसने एक्सेलरेशन किया अपना, हर पर सेकेंड में 10 km/h वेलोसिटी अपनी इंक्रीज की. नाउ टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 km/h, उस जगह पर हम मान के चल रहे हैं कि स्पीड जो है, साउंड की जो स्पीड है दैट इज 1100 km/h एट द एयरप्लेन ऑल्टीट्यूड. जिस जगह पे वो एरोप्लेन है उस ऑल्टीट्यूड पे एयर जो साउंड की स्पीड है दैट इज 1100 km/h. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर. मतलब एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा साउंड बैरियर को तोड़ने के लिए. मीन्स एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा कि वो 1100 km/h स्पीड अटेन कर ले. ठीक है, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा क्योंकि साउंड की स्पीड क्या है, 1100 है यहाँ पे.
वी आर सेइंग कि उसको साउंड बैरियर तोड़ने में कितना टाइम लगेगा. साउंड बैरियर इज व्हाट, जो साउंड की स्पीड है. तो अभी वो 600 थी, उसको 1100 किलोमीटर पर आवर करने में, अपनी स्पीड इतनी करने में कितना टाइम लगेगा. सो यू हैव टू फाइंड आउट टाइम हियर. ओके, ट्राई कीजिए. इफ देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Now next is a rocket releases a satellite into orbit around Earth. एक rocket है, rocket में क्या रख के भेजते हैं हम, satellites ना. So उसने satellite को release किया, छोड़ दिया उसके orbit में around the Earth. Earth के चारों तरफ वो घूमने लगा. The satellite travels at 2000 meter per second in 25 seconds. तो जो satellite है वो 2000 meter per second की speed से जा रहा था in 25 seconds. उसने 2000 meter per second की स्पीड है और 25 सेकेंड्स में उसने वो मेंटेन की उतनी स्पीड. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन बताना है. यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है. सो यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. सो ट्राई कीजिए. नाउ कम्स द इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन मीन्स अभी तक जैसे हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े, वेलोसिटी, स्पीड एंड ऑल, सो एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो. तो देर आर एक्चुअली थ्री इक्वेशंस. गैलीलियो गैलीली डिराइव्ड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस. गैलीलियो ने तीन इक्वेशंस दी मोशन की. थ्री इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब ये किस चीज में है हमारी, ये तीनों इक्वेशंस कहाँ लगाएंगे हम. अगर हमने देखा क्वेश्चन में कि ये जो मोशन हो रहा है दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मींस अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है किसी व्हीकल में, सो तब हम ये तीन इक्वेशंस, डिफरेंट डिफरेंट हैं, थ्री इक्वेशंस हैं, सो दे कैन बी यूज टू फाइंड आउट आइदर वेलोसिटी, आइदर टाइम, आइदर एक्सेलरेशन, जो भी कुछ पूछा गया हो क्वेश्चन में. सो हेयर आर द थ्री इक्वेशंस. आसान है, बस इसका जो डेरिवेशन है कि कैसे निकालते कैसे हैं इसको, उसमें आपको तीन चार बार प्रैक्टिस चाहिए होगी. और तीन चार बार प्रैक्टिस करके इट विल बी रियली, तीन चार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा. दिस इज नॉट टफ, बहुत आसान है. मोर ओवर इट इज इंटरेस्टिंग टू. सो चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ. सो फर्स्ट इक्वेशन सेज, हाँ एक और बात है कि आपको ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, जैसे मैथ्स में आपको इक्वेशंस लर्न करनी पड़ती हैं, सो सेम है यहाँ पे, ये तीन है छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं, बट आप उनको लर्न जरूर कर लीजिए. अदरवाइज अगर आपको लर्न ही नहीं होगा कि फर्स्ट इक्वेशन क्या थी या सेकेंड इक्वेशन क्या है, आप डिराइव कैसे करोगे. सो फर्स्ट इक्वेशन सेज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. एज वी कैन सी v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. तो हम इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये इक्वेशन कब काम आएगी. सो थ्रू दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम t. हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और इन टाइम t. कैसे आया ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको कुछ ध्यान आ रहा है. अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो देयर द फॉर्मूला वॉज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. क्या उसी को थोड़ा रीअरेंज करके देखें, हो सकता है यही वाली वैल्यू आ जाए. सो डेरिवेशन देख लेते हैं. लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू, फाइनल वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए, बट वी हैव टू राइट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हम अभी इन तीनों इक्वेशंस में जो बात करेंगे दैट वुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो हमने बात की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है एंड टाइम टेकन टू रीच वेलोसिटी वी और कैपिटल वी वेलोसिटी पहुंचने में, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी है, हमें कितना टाइम लग रहा है, टी लग रहा है. सो वी नो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेरी इजी, हमें पता है. अब जरा इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड देन फाइनली वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई, है ना, बहुत ईजी. सो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन सेज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सी ये बोलने में जब हम लर्न कर तीन चार बार पढ़ लेते हैं ना तो बहुत आसानी से याद हो जाता है. लाइक फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नाउ सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो आप चार पांच बार करेंगे इसको एंड सॉल्व करेंगे तो ये बहुत जल्दी से रिकॉल हो जाएगा. और एक बेस्ट आइडिया, बेस्ट तरीका होता है लर्न करने का इक्वेशंस को, कि आपने पहले पढ़ ली, फिर घर में टहलते हुए, चलते फिरते, कुछ भी काम कर रहे हो, तो तीन चार बार उसको रिकॉल कर रहे हो अपने मन में, तो बहुत आसानी से वो
लर्न हो जाता है. सो नाउ इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं. अब आप सोचिए ये इक्वेशन क्या करेगा, इसका मतलब कहाँ फायदा होगा. सो एस आ रहा है स्टार्टिंग में, दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, एंड इफ द टाइम इज गिवन तो आप इसके हेल्प से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ डेरिवेशन देख लेते हैं. सो हियर इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, डिस्टेंस ट्रेवल एस, टाइम इज टी, एंड एक्सेलरेशन इज ए. देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन बी फाउंड आउट बाई कंसिडरिंग एवरेज वेलोसिटी. अब जो इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम, वो हम एवरेज वेलोसिटी अगर देखें तो उससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, हम एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं पहले. यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था अभी पीछे, वी बार होता है. सो वी बार हेयर इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू. वी हैव सीन इट कि अर्थमेटिक मीन होता है वो उसका. सो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि हमें मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर डिस्टेंस लेंगे तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो हियर एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी है, यू प्लस वी अपॉन टू और मल्टीप्लाइड बाय टाइम. देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हमने किया है फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मोशन की, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन द अबव इक्वेशन, अगर हम ये जो वी की वैल्यू है ये अपने पीछे वाले जो इक्वेशन है अभी हमारी उसमें अगर हम इसको पुट कर दें तो करके देखते हैं. एस इज इक्वल टू यू फिर प्लस यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाय टू और मल्टीप्लाइड बाय टी है ही वहां पे. नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू यू प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय टी. देन क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, ऊपर वाला जो है 2u plus 80 तो वो t दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट वुड बी 2ut plus 80 square and divided by time. Now we will rearrange it. अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो आप देखेंगे इट वुड कम s इज इक्वल टू ut plus half 80 square. सो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है. इनका जो डेरिवेशन है इट इज वेरी इजी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है. लाइक फर्स्ट इक्वेशन में अभी बहुत आसानी से याद है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, उसमें हमें एक्सेलरेशन का मालूम है फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t. सो आपने रीअरेंज किया वहां पे फॉर्मूला आ गया. नाउ सेकेंड इक्वेशन है तो सेकेंड इक्वेशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हमें एवरेज वेलोसिटी लेनी है. पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया सो आपका डिस्टेंस हो गया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय टाइम. नाउ फर्स्ट इक्वेशन है हमारे मोशन की v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सो आपने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में. सो उससे आप निकालेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. बस ये छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी है कि हमें सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्या यूज किया था. सो दैट वॉज एवरेज वेलोसिटी. नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच सेज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. So as we can see from the equation that we can use this equation to find out the velocity if the distance is given. Now अब थर्ड इक्वेशन निकालनी है तो बहुत आसान सा तरीका है याद करने का कि कैसे डिराइव करेंगे. याद रहे आपको कि इसमें हमें दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी अपनी, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी और सेकेंड वाली भी. सो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इट इज v इज इक्वल टू यू प्लस 80. नाउ जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है हमें इसमें से t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So we can rearrange it as at is equal to v minus u or t is equal to v minus u upon a. Now, अगर हम इस t की value को अपना second equation of motion में रख दें, second equation of motion में जहाँ पे भी t आ रहा है जैसे ut and then half at square, तो t में अगर हम इसकी ये वाली value रख दें so हम अपनी third equation तक पहुँच सकते हैं. So let's see how. Putting the value of t in second equation we'll have s is equal to u. नाउ t की जगह रखना है हमें v माइनस यू अपॉन ए. सो v माइनस यू को हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ये, क्योंकि पूरा t है तो हमने ब्रैकेट में रखा है उसको और a तो नीचे आ ही गया. नाउ प्लस हाफ a और अगेन t की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए, इसका फुल होल स्क्वायर होगा क्योंकि t की पूरी वैल्यू है ये. नाउ वी विल सॉल्व इट. सो s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर. आपने u से इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरा. You must have done it in algebra in maths and then divided by a.
प्लस अब यहाँ पे हम हाफ ए है तो हमने ए तो ऊपर है इसका मतलब ए बाई टू भी तो हो सकता है, तो हमने टू नीचे ले लिया और ए ऊपर ही रहने दिया है। अब ए अब ब्रैकेट के अंदर है वी माइनस यू और इसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो क्या ये आपको नहीं लग रहा ए माइनस बी स्क्वायर? सो ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो हमने वही इसको यहाँ पे किया दैट वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर, अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय टू हमने नीचे लिख ही लिया था, अब ए का भी स्क्वायर है कंप्लीट तो ए स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर है नीचे ऊपर ए है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, सो हम एक ए को कट कर सकते हैं यहाँ पे, सो हमने ए को टू से कट कर दिया नीचे। नाउ एस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस अपॉन ए एज इट इज है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, इसको हमने दोबारा लिख लिया है। नाउ आप इसका एलसीएम देखेंगे क्योंकि बीच में एडिशन है, तो एलसीएम आ रहा है आपका टू ए, अब क्योंकि यू वी माइनस यू स्क्वायर के नीचे ए है तो आप इस दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस, ये आप मैथ्स में करते ही हैं, हमने देखा यहाँ पे टू यू वी और माइनस टू यू वी कट हो गए हैं, तो हमारा क्या बच गया, आप ये टू ए को अगर उधर ले जाएंगे एस के पास, सो इट वुड बी टू ए एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर था, तो माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर में से मतलब टू में से एक यू हटा रहे हैं आप तो वन बचा, तो यानी कि माइनस यू स्क्वायर एंड देन प्लस वी स्क्वायर। नाउ व्हेन वी विल रीअरेंज इट वील हैव वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दैट वॉज अ थर्ड इक्वेशन, तो हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गई। ये भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, आप बस इसको तीन चार बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, सो आपको बहुत आसानी से ये करना आ जाएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर वी हैव डन टिल नाउ देर आर अगेन अ फ्यू क्वेश्चंस, आप इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व देम, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल द प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर टू योर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन्हें सॉल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। नाउ द अनदर टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने यूनिफॉर्म स्पीड किया, यूनिफॉर्म मोशन किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इवन, अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अगर सर्कुलर मोशन है तो आप एक्सेलरेशन तो उसकी कंटिन्यूस चेंज होती जा रही है और मतलब क्योंकि उसमें डल है, बट हियर नाउ वी हैव टू स्टडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मींस सर्कल में मोशन हो रहा है बट स्टिल इट इज यूनिफॉर्म और वो यूनिफॉर्म है, कैसे, हाउ, सो लेट्स सी। When an object moves in a circular path, it is said to be in circular motion. सबको पता है बहुत अच्छे से, हम पढ़ते आ रहे हैं सिक्स क्लास से। So when a body moves along a circular path, then its direction of motion keeps changing continuously. हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर एक सर्कल में आप मूव करते हैं तो आपका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो ये सेंटर पॉइंट है आपके सर्कल का, वहाँ पे सपोज अ बॉय इज स्टैंडिंग विद अ थ्रेड इन हिज हैंड और उस थ्रेड से एक स्टोन टाइड है और वो उसको राउंड घुमा रहा है, तो व्हेन द स्टोन इज एट ए पोजीशन और ए से उसको बी पे पहुँचना है अभी, सो आप देखो ए से जब वो चलेगा, सो सपोज वो ईस्ट डायरेक्शन है तो अब बी की तरफ जब वो आ रहा है तो साउथ हो गया, ऐसे करते करते मतलब डायरेक्शन हर बार चेंज हो जाता है व्हेन एवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन। सो स्पीड में रिमेन कांस्टेंट है, स्पीड हो सकता है कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी देखना होता है और यहाँ पे डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, सो वेलोसिटी विल बी डिफरेंट एवरी टाइम। नाउ हियर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट the direction changes continuously, so the velocity is non-uniform and hence it is accelerated motion. जब भी हम बात करते हैं कि uniform circular motion, मतलब वो ना circular motion में move कर रहा था और uniform speed से चले जा रहा था, तो we'll always say uniform speed, क्योंकि speed हो सकता है uniform हो,
कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले जा रहा था बट डायरेक्शन चेंज होता रहेगा क्योंकि इट्स अ सर्कुलर पाथ, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी वहां पे, और क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें मालूम है जो वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज होती है तो उसे हम एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं. सो सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सिलरेटेड मोशन होता है. और जैसे आप क्लॉक का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्लॉक में जो सुई होती हैं, जो उसके हैंड्स होते हैं, वो आपका सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उनकी स्पीड तो कांस्टेंट ही है ना हमेशा. आप कभी भी देख लीजिए, हाँ सेल कभी वीक हो जाता है तो कह सकते हैं कि स्पीड कम हो गई है, बट अदरवाइज तो स्पीड कांस्टेंट है. अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो टाइम तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना, कभी ज़्यादा, कभी एक घंटा जल्दी हो गया, कभी 2 मिनट एक घंटे में हो रहे हैं. सो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट देयर, बट जो सुई है उसकी वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रही है. सो यानी कि वो भी आपका एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, वहाँ पे वेलोसिटी सेम नहीं है लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. क्यों? क्योंकि सर्कल में घूम रही है और उसकी स्पीड सेम है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग होता है कि आपकी जो मोशन है आपका, दैट इज हैपनिंग इन अ सर्कल, सर्कुलर पाथ, और उसकी स्पीड सेम है, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. अब आप इसको ट्राई कर सकते हो घर में कि आपने एक धागा लिया, उसमें एक पत्थर को बांधा और आप उसको अपने हाथ में लेके चारों तरफ गोल गोल घुमा रहे हैं ऊपर, राइट? तो आपको क्या फील होगा? आप क्या अपने हाथ पे एक फोर्स फील नहीं कर रहे हो कि आपने उसको अंदर खींच के रखा हुआ है? आपको जब आप उसको मूव करते हो तो यू विल डेफिनेटली फील फोर्स लग रहा है आपके हाथ में अंदर की तरफ, मतलब आपने उसको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है. आप करके देख लीजिए इसको. आप ऐसा नहीं होगा कि आप उसको लूज छोड़ देंगे, जहां आपने लूज छोड़ा वो आपके हाथ से छूट के दूर गिर जाएगा, राइट? सो जब भी इट मींस व्हाट, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन को, जब भी सर्कुलर मोशन कहीं होता है तो एक फोर्स चाहिए होता है, एंड दैट फोर्स इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स आपके इस केस में, लाइक आप एक थ्रेड में स्टोन को टाई करके घुमा रहे हैं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी तरफ लग रहा है, मींस वो अंदर की तरफ लगता है. क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लगता है तो वो बाहर वाला जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसको पकड़ के रखता है कि वो यूनिफॉर्मली घूमता रहे, गोल गोल, गिर ना जाए कहीं, बाहर चला ना जाए, राइट? सो एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लेते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, क्योंकि वो एक अपने राउंड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. सो द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज एक्सिलरेटेड. एक्सिलरेटेड क्यों है? क्योंकि उनका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ विच कीप्स द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट. यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अर्थ की ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उनको होल्ड करके रख रही है कि वो उसी ऑर्बिट में ही घूमता रहे. अगर वो ये प्रेशर या फोर्स, सॉरी, नहीं लगाएगी अंदर की तरफ तो सैटेलाइट वुड गो समवेयर एल्स, वो कहीं और चली जाएगी. तो यहाँ पे एक आपने देखा ना, एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको पकड़ के रखने के लिए. नाउ सेकेंड इज एन एथलीट और साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद कॉन्स्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दिस मोशन इज एक्सिलरेटेड बिकॉज ऑफ अ कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब एक एथलीट है या साइक्लिस्ट है जो राउंड आपके सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, ठीक है? तो राउंड सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड होती है, लेकिन ही एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होता जा रहा है तो स्पीड कॉन्स्टेंट है और उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. जब भी वो उस साइकिल को, अपने जो भी उसका व्हीकल है, साइकिल है, उसको क्लोज टाइटली होल्ड करके रखेगा जब भी टर्निंग्स पे उसको गोल घूमना है, क्योंकि वो अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है. अगर वो लूज ऐसे ही छोड़ देगा तो ही मे फॉल डाउन, वो गिर जाएगा. Now the third one is, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, the tip of a second hand of a watch exhibits uniform circular motion. अगर हम second hand या hour hand, जो भी तीन सुई होती हैं आपके clock में, उनका tip देखें तो tip पूरा चारों तरफ जैसे घूम रहा है. सो वो एक सर्कुलर डाय आपके वॉच में, उसके चारों तरफ वो घूम रहा है. सो स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड कॉन्स्टेंट, बट यहाँ पे वेलोसिटी नॉन कॉन्स्टेंट है, तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है. और आपको भी बताया मैंने कैसे. नाउ नेक्स्ट इज
यूनिफॉर्म लीनियर इज नॉट एक्सेलरेटेड. देखो लीनियर मोशन होता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा क्योंकि वहां तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा. और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड सेम है और यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो नो एक्सेलरेशन. सो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड. ऑन द अदर हैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड. नाउ जैसा कि अभी बताया आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सो उसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. और सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेम, उसका डेफिनेशन भी है. Is the name given to any force which causes a change in direction of velocity towards the center of the circular motion. मतलब centripetal force वो force है जो velocity के direction को change करता है towards the center of the circular motion. मतलब अगर circular motion हो रहा है चारों तरफ तो उसका direction change कर रहा है. कौन सा force? वो force जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, right? तो आप ये definition learn कर लीजिए उसकी. The component of the force which is perpendicular to the velocity is the part resulting in the centripetal force. इसका मतलब हम डायग्राम से समझते हैं. देखिए आप यहाँ पे सेकेंड वाला डायग्राम पहले देखिए. तो आप सेकेंड वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि जो सेंटर है इसका, वहाँ पे एक एनी बॉय इज स्टैंडिंग, सेम वही एक स्टोन को घुमा रहा है, वो थ्रेड में टाइड है. तो हमने देखा अगर हम ऊपर की तरफ देखें यहाँ पे, सो वी लिखा हुआ है एंड देन एफ अंदर की तरफ लग रहा है, राइट? और वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड जा रहा है लेफ्ट साइड में. अब हम जब उससे लेफ्ट साइड नीचे की तरफ आए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो नीचे हो गया और फोर्स अभी भी सेंटर में ही लग रहा है. फिर हम नीचे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड में है लेकिन फोर्स तो अभी भी ऊपर अंदर की तरफ ही लग रहा है. सो हमने देखा कि हर बार ये वाला जो फोर्स होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. ये हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है ये वाला जो आपका फोर्स होता है, ठीक है? अब आपके फर्स्ट जो फिगर है इसमें सिंपली यही दिखाया है कि एक छोटा सा एरोप्लेन, टॉय एरोप्लेन उसने लिया और वो ऐसे मूव कर रहा है उसको. तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है. सो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बट इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीड कॉन्स्टेंट है तो इसलिए हमने उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होगा बिकॉज डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम. अब आपने अपना मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि अगर एक सर्कुलर पाथ है कोई भी, तो हमें तो उसके पेरीफ्री पे ही घूमना होगा ना. सर्कुलर पाथ मीन्स आउटसाइड उसके जो सर्कल का बाहर का जो पेरीफ्री है, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, हमें वही तो हमारा डिस्टेंस हुआ ना. सो टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हमें स्पीड निकालनी है किसी बॉडी की अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो हाउ वुड वी डू इट? सो हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड इज वी. और डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ जो आपके सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, दैट इज 2πr. सो हम स्पीड निकालेंगे, वी इज इक्वल टू 2πr और टाइम इज टी, सो डिवाइडेड बाई टी. नाउ अ क्वेश्चन फॉर इट. A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. और मतलब वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, हर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है वो, राइट? इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 meters, हमने रेडियस बताया है सर्कुलर ट्रैक का 105 meters है. सो कैलकुलेट हिज स्पीड, आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो हमें मालूम है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स और आपको रेडियस दिया है 105 meters. सो स्पीड निकालने के लिए वील अप्लाई द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी. नाउ रेडियस आर इज इक्वल टू 105 meter और आपका टाइम है 2 मिनट्स. अब हमने यहाँ पे मिनट्स में दिया है, वी नो कि हम अभी जब स्पीड निकालेंगे तो इट वुड बी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर्स 105 meters में दिया है. तो मीटर्स के साथ जनरली सेकेंड ही यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है या किलोमीटर पर आर होता है. तो अगर हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सॉरी, तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिम्बल्स ऑल्सो, सो यूनिट्स ऑल्सो. तो आपने यहाँ पे 2 को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, सो दैट बिकम्स 120 seconds. नाउ बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन वील हैव वी इज इक्वल टू 2 multiplied by 22/7, that is the value of pi, into 105
और नीचे आया आपका 120 क्योंकि वो t है, टाइम है आपका 120. सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5.5 मीटर पर सेकेंड. नाउ हियर आर अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व. आपका ये पूरे जो अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं उन सबके बेसिस पे देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, यू शुड डू देम. आप करो इनको तभी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि येस वी कैन डू इट, कर सकते हैं, बहुत आसान है. और आप वो जो डेरिवेशंस हैं बीच में इक्वेशन के, जो भी मोशन की इक्वेशंस हैं, दैट ऑल्सो यू शुड डू. आप इक्वेशंस कीजिए एंड इफ यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी. आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अभी इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जो बच गया है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अभी तक हमने जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, डिस्टेंस फाइंड आउट किया, कहीं पे स्पीड फाइंड आउट करनी थी, कहीं पे टाइम, कहीं पे वेलोसिटी. सो दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो. ग्राफ के हेल्प से भी हम ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं. और जो हमारी 3 इक्वेशंस थी मोशन की, तो हम उनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्टिंग टू. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप उसमें से फाइंड आउट भी करते हो, न्यूमेरिकल्स करते हो. सो दैट इज लेफ्ट. सो उसके लिए क्योंकि पूरा एक एंटायर वीडियो चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, हाफ एन आवर. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो we'll continue with the graphical representation of motion. Until then, go through the chapter once again, recapitulate all the new concepts, and finally do practice of numericals as much as you can. Usse aapme confidence aayega. And if you find this video helpful, then like, share, subscribe, and press the bell icon to get all the updates from Vigyanalaya. Till then, goodbye.